please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ काम कर रही लड़कियों को नौकरी छोड़ने की धमकी दी है। कश्मीर के शोपिया में हिजबुल मुजाहिदीन ने एक पोस्टर लगाकर ये धमकी दी है, साथ ही उन्हें एक महीने के भीतर इस्तीफा देने को कहा है। इतना ही नहीं, पोस्टर में लोगों को सेना के कार्यक्रमों में शामिल न होने की भी नसीहत दी गयी है। बांदीपुरा जिले में भी आतंकियों ने मस्जिद से लोगों को इसी तरह की धमकी दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर अब लोगों की ईएमआई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। मोदी सरकार के आने के बाद रिजर्व बैंक ने पहली बार ब्याज दरों में इजाफा किया है। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जिसके बाद रेपो रेट 6% से बढ़कर 6.25% हो गया और रिवर्स रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6% हो गया। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर देश का रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को ब्याज देता है, माफ कीजिएगा, बाकी बैंकों को पैसा देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर देश के बैंकों को रिजर्व बैंक पैसा देता है। माना जा रहा है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक ग्राहकों की ईएमआई बढ़ा सकते हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया कि चालू साल के पहले 6 महीने में यानी अप्रैल से सितंबर महीने के बीच रिटेल महंगाई 4.9% रह सकती है और दूसरे 6 महीने यानी अक्टूबर से मार्च 2019 के बीच रिटेल महंगाई 4.7% तक रह सकती है। महंगाई बढ़ने के अनुमान के पीछे पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को बड़ी वजह माना गया है। महंगाई को काबू में करने के लिए ही रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है। हालांकि जीडीपी बढ़ने की रफ्तार के अनुमान में आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है। चालू साल में जीडीपी बढ़ने की दर 7.4% रह सकती है।